अस्सलामुअलैकुम, ज़ेबा खान डेली ब्लॉग में खुश आमदीद फैंस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, एंड आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे से होंगे। अब हो गई सुबह, मेरे सारा काम कंप्लीट हो गया। क्लीनिंग एंड फ्रेश होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट रेडी की एंड फिर मैं नाश्ता करने बैठी। सोची आप लोग से गुड मॉर्निंग कर लूँ। हाँ मना, देखिए अपने बेड से उठ करके यहाँ आके लेटी हुई है। साथ ही यहाँ आके बोलो, मना अभी भी सो रही है। और ये है सुबह का ब्रेकफास्ट, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, एंड मैंने फ्रूट सैलड भी बनाई हूँ। मुझे फ्रूट सैलड बहुत पसंद है, खास करके अमरूद जब हो उसमें तो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ आमिर, इंटरनेट ऑफ कर दो आमिर। बच्चे सुबह उठ के नाश्ता करने में, सुबह उठ के फ्रेश होने में बहुत परेशान करते हैं, नाश्ता करने में भी परेशान कराते हैं। भागा दौड़ी, मोबाइल चाहिए। आजकल के बच्चों का ये क्या तरीका है समझ नहीं आता। कुछ बात करना था। क्या बात करना था? यस हाँ, आज ना लंच मेरी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई, एंड डिनर की भी कुछ जो बनाऊंगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, एंड वो आधी प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। तो देखते हैं डिनर में आज क्या बनाते हैं। और हाँ, आज डे में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो आज मैं बनाऊंगी कैरेट बॉल्स इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। मम्मी को चाय ला के दे पाओगे नीचे से? हाँ हाँ, जस्ट घर के नीचे है। हाँ, पता है ना तुमको रेस्टोरेंट। हाँ, ला दो ना प्लीज। ठीक है, ला दोगे? हाँ, चाय लेके चल पाओगे? हाँ चल पाएंगे, को लेके लिफ्ट में और फिर हम बेल बजा के आ जाएंगे घर और मम्मी को चाय दे देंगे, होगी। इतना आसान है, जा पाओगे? सही है, झूठ बोल रहे हो ना, सही में जा पाएंगे। अच्छा, ऐसे हाथ चला लोगे रोड पर, चलते चलते भी गिर जाओगे, चोट लगा लोगे और उसके बाद रोने लगोगे वहीं पे, तब क्या होगा? तो रोंदू बाहर, तुम तो मेरे रोंदू रोंदू बेटा। हम तो अपना जल्दी डोंट प्लांट, जल्दी से सिक्स वेजिटेबल्स का नाम बताओ। हम तो ना ये पता है कलर, रेड गाउड, लेडी फिंगर, और रेड फिंगर थ्री करेज। बताओगी? चलो बताओ। क्लीन, रेड, व्हाइट, येलो, फिर से क्लीन, येलो, व्हाइट। अब हम बताएंगे, अब मैंने बताएगी कि मना। अच्छा अच्छा ठीक है, वेजिटेबल वाला। ओके बताओ क्या है उसका नाम। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, कौन कौन से वेजिटेबल्स मना खाती है? अनियन, पोटैटो, टोमैटो, टोमैटो, अनियन, टोमैटो, हम क्या होता है? अभी हो रहा है शाम का वक्त, मैं अकेली अपनी बालकनी में आके खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। हस्बैंड आए और बच्चों को लेकर के चले गए, वेट कर रही हूँ अकेले यहाँ खड़े होकर के। देखिए यहाँ बाहर का नज़ारा, सनसेट हो रहा है, सुकून है यहाँ, बहुत सुकून है। इतनी ट्रैफिक दिखती है बट स्टिल सुकून है। आज मेरी मम्मी की कैटरेट की ऑपरेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उधर जहन उधर था पूरा, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सर में दर्द हो रहा है टेंशन से। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। चलिए चलते हैं अंदर। ये यहाँ सूख रही है मेरी बेटी का डॉल, मेरी बेटी की डॉल सूख रही है, पूरा पानी डाल करके भिगा दी थी इसे।
मैं लंच निकाल दी हूँ और वेट कर रही हूँ। हर जगह फेंके रहते हैं, घर में नहीं होते ना तो लगता है कितना सन्नाटा है, कुछ काम ही नहीं है। अब जा रही हूँ, कपड़े धो के सूख गए हैं, इन्हें सेट करने, सेट करके रखूंगी और फिर खाना खा लूंगी। इन लोग अच्छे नहीं होते ना तो फिर लगता है कि कितना सारा काम खत्म कर लूँ, ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो बच्चों को बाहर लेके जाओ तो फिर वो टॉयज के लिए इतना जिद करते हैं, जब जाएंगे तब कुछ ना कुछ टॉयज लेकर आएंगे। बच्चों के वार्डरोब में हर दिन में सेट करो तो कम, हर दिन सेट करना होता है। आज ना एसी चला गया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्म है। तो नट्स के साथ मैं अपना हलवा रेडी कर ली हूँ। आज की दिन भर बहुत ही स्ट्रेस गई है और क्योंकि आज मेरी मम्मी का कैटरेट का ऑपरेशन होने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया, जिसकी वजह से आज मैं बहुत टेंस थी और कोई वीडियो नहीं शूट किया उस चीज़ बाद में दिन भर। बस अभी शाम हुआ तो सोचे हस्बैंड बोले हैं तो हलवा बना देते हैं, तो फिर मैं अभी बस वही हलवा रेडी किए हैं। ये हलवा मेरा उन्हें रेयरली कोई मीठा चीज़ पसंद आता है। आज मुझे कैरेट बॉल्स भी पसंद बनाना है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वही मुझे हेल्प कर रहे थे कैरेट को क्रश करने में। मैं दिखाती हूँ, तब मैं कैरेट को पील करके दे दी थी कि मेरे हस्बैंड अभी सब क्रश करके रखे हैं, अब आखिर में एक दो में मेरे भाई भी हाथ लगा दिए हैं। ऐसे ही हाथ बटाना चाहिए, नेक फर्मा बरदार बनना चाहिए हर भाइयों को, शौहर को भी। कितना दिल से मेरे भाई काम कर रहा है, देख के भाई हाथ काट मत लेना, इसको जो काम बोलते हैं ना एक ना एक चोट लगा लेता है। नान रोटी की तैयारी कर रही हूँ। ये हम मैदा ले लिए हैं, अराउंड 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगी, डालेंगे सॉल्ट, अब मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर अराउंड 1 टेबल स्पून, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून शुगर वाली डालें। अब इसमें डालने जा रहे हैं दही, मैं इस बड़े चम्मच से अराउंड 2 मैं डालूंगी। अब इसे हम मिक्स करने लगे हैं अच्छे से, ज़्यादा पानी नहीं डालना, उतना ही डालें जितना रिक्वायर्ड, गीला नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट ही रखना है। मैं दही, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर जो डाली थी उस इसमें अच्छी तरह से पहले मिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करें, उसके बाद मिक्स देते जाएं। हम अपनी डो को इस काउंटर शेफ पे ही अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इसका टेक्सचर ये टफ हो जाता है ना, तो इसमें बहुत ही अच्छे से मुझे आदत है कि डो इसी पे मैं काउंटर शेफ पर ही रेडी करती हूँ। सॉफ्ट ऐसी रेडी होगी, इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदे, आप इससे और टाइट रखें, मेरा हल्का गीला हो गया ना एक हाथ में लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके ऑयल लगा दें, कोई भी ऑयल लगा दें, फिर मुझे घी लगा दें, मटर लगा दें, कुछ भी लगा दें, ऑयल होना चाहिए। इसे लिप से कवर करके रख दें, एक घंटा दो घंटा जितना अच्छा होगा 2 घंटा रखें, क्योंकि ये अच्छे से तब ये मैदा अपना पूरा स्पेस ले लेगा, खमीर होगा हल्का, तब हम इससे नान बनाएंगे। तो ठीक है, उसमें कुकुम्बर, कैरेट, ग्रीन चिली, लेट्यूस लीफ, लेमन, अनियन, ये सारा कुकुम्बर सब काट के डाल दी पहले, उसके बाद उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ये है पुदीना का, हाँ पुदीना पाउडर है, ठीक है, पुदीना का लीव्स, ड्राई लीव्स है, और ये है एक सुमक, सुमक एक्चुअली एक अरेबिक मसाला होता है, सबको डाल के अब मैं इसमें डालूँगी
तो मैं इसमें डालने लगी हूँ ऑलिव ऑयल। ये होता है तहीना, तहीना यूज़ करेंगे हम। तहीना ये भी बहुत मुफीद है, बहुत हेल्दी चीज़ है। सैलेड पे डालते हैं। सीसम सीड होता है ना, ये शायद सीसम सीड से ही बना होता है। ये मेरी सैलेड रेडी हो गई। इसमें ऊपर कैबिनेट की ना शेडो आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नान रोटी जो मैं इसी तरह से इसको बेल रही हूँ। थोड़ा मोटा बेलना है और ठीक है, इसे थोड़ा सा थिक ही रखना है, छोटा छोटा रखना है। देखिए, हम इसे जब तवे पे डालेंगे, जब बबल्स आने लगेगा ना, तब हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे और अब दूसरी साइड बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी फूल गई ना बस। और मैं यहाँ बटर में सुमक और पार्सले दोनों डाल करके अपने नान पे इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसको। डिनर रेडी। सर चेक करिए मेरी बेटी की क्रिएटिविटी। ये एक प्राइवेट प्लेन बनाया है स्पेशली फॉर मालदीव्स, है ना शज़ैम। यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करने लगी हूँ। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल फिर से एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मना शहज़ैब से गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। मना तुम भी सलाम कर दो। अच्छी लगी तो लाइक।